अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज है सिंपल चिकन कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाइयाँ भी काफ़ी किस्म की होती हैं, इसलिए ज़रा ये सिंपल ही है। तो सबसे पहले हम इसका मसाला लेंगे, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक यानी कि टमाटो, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर, इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। देन मिक्स इट ऑल एंड क्रश इट। अब आप देख लें कि कढ़ाई में मैंने चिकन रखा हुआ है, यू कैन सी इट्स चिकन ऑलमोस्ट वन चिकन, आई मीन टू से हाफ के जी या एक मुर्गी। मिक्स इट ऑल एंड देन पुट इन कढ़ाई, मतलब आप सारे मसाले को कढ़ाई में डाल दें। मुझे इंग्लिश और उर्दू दोनों में बताना पड़ रहा है, क्योंकि एक मेरी दोस्त है जो कि इंग्लिश में भी देखती है, इसलिए अगेन मिक्स इट बाकी का मसाला, मतलब मिक्स इट ऑल वेजिटेबल्स एंड पुट इन कढ़ाई। अब इस सब को डाल लिया, आप चूल्हे की आंच देख लेते हैं। देन चेक इट माई फ्लेम एंड एड सम स्पाइसेस, नमक, सॉल्ट एज नीड, हल्दी एज नीड, लाल मिर्च, रेड चिली एंड मिक्स इट। एंड मिक्स इट एंड देन लीव फॉर 10 to 15 मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें कि पानी खुश्क हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क होने पर आ गया है, अब इसी पानी में ये गल जाएगा। एंड ये यू कैन चेक दे मिक्स इट इन दिस वाटर, ऐड सम स्पाइस, चिली फ्लेक्स जिसको कि हम तूड़ा मिर्च करते हैं वो ऐड करेंगे, एज नीड 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, एज नीड एंड गरम मसाला, हॉट स्पाइस एज नीड। यहाँ पे सूखी मेथी डालनी थी लेकिन वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। एंड लीव इट, देन मिक्स इट अगेन। अब इन सबको दोबारा हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे कि ये मिक्स हो जाए। देन ऐड घी, अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे एज नीड, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इसको भूनना शुरू करेंगे। देन फ्राई इट, फ्राइड अगेन एंड अगेन, और साथ साथ चम्मच जो है ना हिलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसने घी जो है ना छोड़ दिया है। ऐड सम वाटर, मतलब कुछ पानी भी डालना है कि नीचे मत लगे, कि मतलब ख़राब ना हो हमारा नीचे लग के। एंड मिक्स इट, साथ साथ इसको हिलाते भी जाएं। अब यहाँ पे आप इसको भूनते जाएं। देन मिक्स इट अगेन एंड टिल फ्राई टू लीव घी, यानी कि इसका घी छोड़ने तक इसको भूनते जाएं। अब यहाँ पे इंग्लिश बोलना भी मेरी ज़रूरी था। देन रेडी, ऐड सम कोरिएंडर, धनिया एंड इट्स रेडी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।